हेलो चिल्ड्रन, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ है वो चार पार्ट में डिवाइड हो गया था, फोर पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया था। लास्ट का जो स्टेप स्टेज था उसका, वो 1799 से था 1814 में युद्ध हुआ था वाटरलू का। इसी वाटरलू के वार में कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्टा हार गया था, और समझिए वही लास्ट स्टेज है रेवोल्यूशन का। इधर मैंने आपको बताया 1795 में फ्रांस का संविधान भी बन के तैयार हो गया था, और पांच डायरेक्टरों का एक ग्रुप बना दिया गया था जो पांचों लोग लीड कर रहे थे। उसमें दो मीडिएटर थे, दो कुलीन थे और एक निचले तबके का था। तो पांचों लीड कर रहे थे फ्रांस को और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दो साल अभी गुजरा ही था कि इन पांचों में थोड़ा डिक्टेटरिज्म की भावना आ गई। मतलब ये सबका ध्यान तो देते थे, लेकिन जो बड़े नीचे वाले तबके थे, सबसे बड़े किसान, उन पर ये ध्यान ही नहीं दे पाते थे। तो किसान का धीरे धीरे इनसे थोड़ा अलगाव होने लगा, वो नहीं इन पांचों का उतना रिस्पेक्ट देते थे। इधर क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए 1869 में जन्म है नेपोलियन बोनापार्टा का कोर्सिका में। कोर्सिका पहले एक देश था, तो पहले वो फ्रांस के इंटरनल नहीं था, फ्रांस ने उसे एक्वायर्ड किया था इसके जन्म के कुछ समय पहले। 1869 में कोर्सिका में जन्म है फ्रांस नेपोलियन का, और वो फ्रांस का नागरिक बन गया। किसी को नहीं पता था कभी ये निचले तबके इंसान में जन्मा ये लड़का कभी फ्रांस का इतना बड़ा डिटेक्टर बनेगा। छोटी सी उम्र में ही ये अपनी काबिलियत पे धीरे धीरे फ्रांस के आर्मी में आ गया। और आपको पता होना चाहिए जब 1879 का रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, उस समय यह एक अच्छा खासा सैनिक था, और रेवोल्यूशन के अंतर्गत यह पूरी तरह एक फ्रांस के छावनी का सेनापति बन गया। जब ये सेनापति बन गया तो धीरे धीरे ये सेनापति तो बढ़ता गया, इसका जो लीडरशिप था ये बहुत बहुत आश्चर्य वाला था, बहुत अच्छा प्लानिंग करता था। 1896 में इसने इटली से वार किया, 1898 में फिर से इटली से वार किया, 1894 में इसने ब्रिटेन से वार किया था, और इन युद्धों में फ्रांस की जीत हुई थी। इन युद्धों में फ्रांस का जीत में अगर किसी का योगदान था तो वो सबसे बड़ा योगदान था नेपोलियन बोनापार्टा का। 1898 में जब इसने एक बार फिर इटली को हराया, तो यह पूरी तरह अपने ताकत से वाकिफ हो चुका है कि फ्रांस की जो भी सेना है वो सेना का केवल एक ही लीडर है, और वो लीडर खुद नेपोलियन बोनापार्टा है। इस नेपोलियन ने देखा कि जो निचले तबके के इंसान हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इसने क्या किया, धीरे धीरे बड़े जो रईस इंसान थे, जो पूंजीपति जमींदार थे, उनके धन को लूटना शुरू किया और इन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया, रॉबिनहुड टाइप का। धीरे धीरे ये जितने भी किसान वर्ग थे उनका सबसे चहेता लीडर बन गया। जब इन पांचों डायरेक्टरों को ये बात पता चला, तो इन पांचों डायरेक्टरों ने नेपोलियन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नेपोलियन पूरे सैनिक का एक लीडर था, इसीलिए उसने अपने आर्मी के साथ उल्टा ही काम किया। उसने 1799 में इन पांचों डायरेक्टरों को मारकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया, और खुद को फ्रांस का एक नेता घोषित किया। 1802 तक यह पूरे फ्रांस का काउंसिल बन गया, और 1804 तक यह पूरे फ्रांस का तानाशाह बन गया, डिटेक्टर बन गया। इसने अब वही जैकोबियन, आपको ध्यान में होगा मैंने एक जैकोबियन डिस्कस किया था, उन्हीं जैकोबियंस को लेकर एक ग्रुप बनाया, और उसी ग्रुप को लीड करते हुए यह फ्रांस को पूरा लीड करने लगा। इसकी नीतियां बड़ी अच्छी थी, हर एक तबके के लिए वर्क किया, बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन कहीं ना कहीं तानाशाही रूप इसके अंदर भी था जो यूरोप के अन्य देशों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि यूरोप में अन्य देश जो हैं वो नेपोलियन के इस कार्य से कहीं ना कहीं अंदर उनके ज्वेलर्स की भावना थी। और मैंने आपको ये भी बताया था, ब्रिटेन और फ्रांस कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बने थे। उधर 1893 में जब लुई 16 मरा था, तो उसके दो संबंधी थे, एक संबंधी प्रसा का राजा था और दूसरा संबंधी रसिया का। इन दोनों ने मिलकर अंदर ही अंदर कहीं नेपोलियन के खिलाफ जाना, प्लान बनाना शुरू कर दिया। इधर यूरोपीय देश नाराज थे, नेपोलियन बड़ा उन्हें मनाने की कोशिश किया, बहुत मनाने की कोशिश किया, लेकिन तमाम यूरोपीय देश नाराज होते जा रहे थे, लेकिन नेपोलियन इतना स्ट्रांग, इतना ताकतवर था कि कोई भी यूरोपीय देश इसके समक्ष खड़ा भी नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, इसको सपोर्ट था थर्ड स्टेज का और अन्य लोगों का। लेकिन 1814 में स्पेन का एक उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, उसमें नेपोलियन ने इंटरफेयर कर दिया, इस वजह से
यूरोपीय देश इनसे नाराज हो गए और 1814 में वाटरलू की लड़ाई हुई। उसी लड़ाई में कहा जाता है नेपोलियन हार गया और 1821 में ब्रिटेन में इसकी मृत्यु हो गई, एक्सपायर कर गया 1821 में ब्रिटेन में। इधर जब नेपोलियन मारा गया तो यूरोपीय देश फ्रांस का संचालन करने लगे। 1848 में फ्रांस में इलेक्शन हुआ है और लुइस नेपोलियन बोनापार्टा, जो नेपोलियन बोनापार्टा का रिलेटिव था, उसे बनाया गया है फ्रांस का पहला प्रेसिडेंट। तो बच्चों ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ 1789, सॉरी गलती मुझे बीच में एक 1769 बोल दिया था, वो मिस हो गया। 1789 में वो रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था वो जाके 1814 में खत्म हुआ नेपोलियन के मृत्यु से, एक्सपायरी से, और 1848 में एक नया फ्रांस स्टार्ट हुआ जिसे स्टार्ट किया है वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट लुइस नेपोलियन बोनापार्टा ने। ओके चिल्ड्रन, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें रसिया का रेवोल्यूशन और सोल्यूशन है। ओके, थैंक यू।